जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, किस वजह से स्टार्ट किया था या मैं क्यों यूट्यूबर बनना चाहता था, मैं चालू करता हूँ अपना, मैं क्यों यूट्यूबर बनना चाहता था। 12th जैसे ही फेल हो गया तो मैंने क्विट कर दिया। ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उससे भी पैसे अर्न कर सकते हैं। ओपन तो कर लिया मगर अभी करना क्या है ये मेरे को नहीं पता था। आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पस ये है कि ओहो आगे तो क्या हाल है, सब बढ़िया, अपना भी एकदम मस्त चल रहा है। आज का वीडियो ना किसी प्लेस का होगा या ना फिर कुछ और, आज का वीडियो प्योर होगा अपने ऊपर। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, किस वजह से स्टार्ट किया था या मैं क्यों यूट्यूबर बनना चाहता था, इसके ऊपर है। बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या दिखा रहे हैं। आज दिल किया कि अपने बारे में भी बता दूं। वैसे तो मैं अपने बारे में वीडियो में बहुत ही कम बताता हूं, मैं कहां से बिलोंग करता हूं या मैं कितना साल का हूं, मेरा क्या है, फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या था। फ्यूचर तो नहीं बता सकता मगर हाँ पास्ट में मैं क्या था वो बता सकता हूँ। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये वीडियो ना, अगर मेरा चैनल ग्रोथ हो गया, कुछ अच्छा परफॉर्म कर गया अगले साल, ऑलमोस्ट बहुत यूट्यूबर्स के ब्लॉग्स देखे हैं या तो फिर अलग अलग नॉलेज के वीडियोस देखा हो, मैं चालू करता हूँ अपना, मैं क्यों यूट्यूबर बनना चाहता था, ऐसा क्या चीज़ है जो कि मेरे को यूट्यूब पर आने के लिए एंकरेज करता है। शुरू करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा तो एडजस्ट कर लेना। अभी तो इतना सब्सक्राइबर नहीं है, ना ही इतना व्यूवर्स हैं, अगर 20 भी आ जाएँ तो बहुत ही दिल खुश हो जाता है मेरा, क्योंकि कुछ ना आने से कुछ तो आ रहा है। इट्स ओके टू मी। तो मेरा नाम है अब्दुल सलाम, मुझे पसंद है सलाम, मेरे को कोई अब्दुल सलाम करके पुकारे ये मेरे को पसंद नहीं है। ये मेरा नाम का प्रॉब्लम था जो मैंने क्लियर कर दिया। मैं बता दूं, मैं ना 12th फेल हूँ। हाँ ये सच है, 12th फेल हूँ। वजह से या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से मैंने अपना एजुकेशन क्विट नहीं किया था, अपने दिल से किया था कि उस टाइम पे बस हो गया, अभी क्या पढ़ना है, क्या करना है ये। मगर ये चीज़ ना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आज जाके मेरे को समझ में आ रहा है कि एजुकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा होना कितना इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शंस ले सकते हो तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बिना पढ़े भी सक्सेसफुल हुए हैं, पढ़ के भी बहुत से लोग, एजुकेशन लेके भी बहुत से लोग सक्सेसफुल हो गए हैं। तो मेरा केस ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, तो मैंने उधर ही 12th जैसे ही फेल हो गया तो मैंने क्विट कर दिया। प्लम्बिंग करने चालू कर गया, प्लम्बिंग का काम करने के लिए। उसके बाद अच्छा चल रहा था वो काम भी, कुछ अलग प्रॉब्लम के वजह से, जो मेरे ओनर थे उनका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के वजह से मेरे को वो काम छोड़ना पड़ा। बाद में मैंने घुसा ड्राइविंग फील्ड में, तो उसमें 2 साल हो गए मेरा। प्लम्बिंग में वैसा भी 2 साल मैंने कंप्लीट कर लिया था, वो काम ऑलमोस्ट आ चुका था मेरे को। मतलब कोई भी काम का ना परफेक्शन नहीं होता है, बीच बीच में चेंज होता रहता है, या तो नया नया आता रहता है, कोई नया फंक्शन आ जाएगा, नया ये सेट आ जाएगा, जो भी नया इक्विपमेंट आएगा, तो हर चीज़ में ना सीखना पड़ता है। जैसे अभी मैं यूट्यूब में सीख रहा हूँ और आगे खुद को इम्प्रूव करने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। बाद मैं गया ड्राइविंग फील्ड में, तो ड्राइविंग फील्ड में मेरा 5 साल बहुत ही मस्त चला, बहुत से ऐसे जगह घुमा, बहुत से अलग अलग जगह घुमा हूँ। आप सोच सकते हो कि एक ड्राइवर का क्या रूटीन हो सकता है, सुबह उठो ट्रैवल करो, रात में सो जाओ, फिर वापस आज गांव में रहूँगा तो कल दूसरे जगह पे रहूँगा, ये रूटीन चल रहा था ड्राइविंग का फील्ड में रहा था। इसी बीच में मेरे को लगा कि मेरा पर्सनल लाइफ है, जितना मैं बताना चाहता हूँ उतना मैं बता सकता हूँ। अब बहुत से लोग ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो अपने घर के बारे में बताते हैं, अपने पर्सनल चीज़ के बारे में बताते हैं, कोई चीज़ ले ली या तो कोई गाड़ी ले लिया, कार ले ली, ऐसा बहुत से अपडेट करते हैं। डेट तो मेरे को नहीं पता, मगर जब जियो आया मेरे पास था रेडमी 2 प्रो मोबाइल था छोटा वाला। तो मेरे को क्या था, मैं पहला एयरटेल में था, तो मेरे को जियो में शिफ्ट होना था, मेरा नंबर जो है उसको मैं चेंज नहीं करवाना चाहता था। तब ऑप्शन चल रहा था कि ठीक है अभी आपको वही नंबर में नंबर मिल जाएगा, पहले ऐसा था या नहीं था मेरे को आइडिया कुछ नहीं है, ये अभी 2022 है, वो बहुत साल के बाद का था। तो मैं गया मोबाइल शॉप में, मैं बोला मेरे मोबाइल में
4G, तभी 4G स्टार्टिंग मोमेंट में था, 4G नहीं था उतना, उससे पहले 4G नहीं था, तो नॉर्मल सेट में चल रहा था। अभी भी मेरे पास ऐसा स्मार्टफोन था, मतलब उसमें उतना मेरे को आइडिया नहीं था, क्योंकि अभी अभी जस्ट शिफ्ट हो चुके थे हम लोग। जैसे ही मैं जियो पे शिफ्ट हुआ, मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो मेरे को 4G नेटवर्क नहीं मिल रहा। तब तक तो मैं बेखबर था, यूट्यूब से, फेसबुक से, व्हाट्सएप एक चल रहा था, तो यूट्यूब से बिल्कुल बेखबर था। थैंक्स टू दैट मोबाइल शॉप ओनर, 4G नेटवर्क कनेक्ट हो गया, तो उसने वो यूट्यूब पहला ओपन करके दे दिया मेरे को। मैं सोचा ये क्या है, ये चीज़ क्या है, मतलब उस टाइम पे ना किसी को यूट्यूब या सोशल मीडिया उतना इसमें नहीं था, मेरे को भी ऑब्वियसली नहीं पता था। यूट्यूब से दीदार हो गया, एंटरटेनमेंट पर्पस हो गया था मेरे लिए। कॉलेज जाता तो तब कहीं कोरियन वीडियो रिमेक, तब ना ट्रेंड चल रहा था कोरियन वीडियो का, रिमेक बन के गाना बन के निकल जाता था, तो बस यही था मेरा, यही देख रहा था ना। 4G आने के टाइम का बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं प्लम्बिंग किया, उसके बाद मैं ड्राइविंग फील्ड में आ गया। जब प्लम्बिंग कर रहा, मुझे इतना जानकारी था कि यूट्यूब चीज़ है जो इसमें वीडियो क्रिएटर वीडियो कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उससे भी पैसे अर्न कर सकते हैं। जितना टाइम मैं यूट्यूब पे स्पेंड करने लगा, मेरे को समझ में आने लगा, तो धीरे धीरे समझ में आने गया लगा कि यूट्यूब कैसा काम करता है। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मेरा भी एक यूट्यूब चैनल हो। अभी यूट्यूब चैनल के लिए ओके, मगर करना क्या है, ना ही मैं उतना इंटेलिजेंट हूँ, ना ही मेरे को उतना नॉलेज है जितना जो, ना ही मेरे को एडिटिंग आता है, ना ही मेरे को दूसरा कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था कि मैं ऑनलाइन या इंटरनेट पे डाल सकूँ। बस थॉट दिमाग में था कि मेरे को यूट्यूब करना है, क्या करना है, कैसा करना है पता नहीं था, तो बाद में यूट्यूब में ही सर्च किया। यूट्यूब में ना बेस्ट ऑप्शन ये है कि यूट्यूब ही टीचर है, और यूट्यूब में आप स्टूडेंट भी हो सकते हो, या फिर आप क्रिएट भी कर सकते हो, आप सीख भी सकते हो, यूट्यूब में सिखा भी सकते हो। धीरे धीरे करके मैं यूट्यूब से सीखने लगा क्या करना है कैसे करना है। बाद में फाइनली मैंने 2020 में, याद है, मैंने अपने कज़िन से डिस्कशन किया कि मैं यूट्यूब करना चाहता हूँ, मतलब कज़िन बहन है, उससे डिस्कशन किया कि मैं ऐसा चीज़ है यूट्यूब है ना। तब तक तो सब कुछ, सब लोग जान चुके थे कि यूट्यूब ऐसा है, बहुत से क्रिएटर ऑलमोस्ट बहुत से क्रिएटर आ चुके थे यूट्यूब में, तो मेरा भी एक मन था कि मेरे को भी यूट्यूब में आने का है। तो मैंने अपने कज़िन से डिस्कशन किया कि देख बहन ऐसा ऐसा है तो मैं करना चाहता हूँ, तो उसने मुझे थोड़ा बहुत व्लॉग्स का, मैं सोच रहा था कॉमेडी वाइंस कर दूँ, मैं बीबी की वाइंस देखता था, आशीष चंचलानी वाइंस देखता था, राउंड टू एल का भी देखता था, और हर्ष बेनीवाल का भी देखता था, तो मेरा थॉट ये था कि मैं आके वाइंस क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत लिख लेता था, शायरी भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत गाने भी लिखे हैं, बट किसी ना किसी वजह से वो छोड़ो, वो आगे किसी ऐसा वक्त आने पर बात करूँगा उसके बारे में, मैं क्या हॉबीज था मेरा। तो उससे बात किया तो उसने बताया कि ब्लॉग्स करके हैं, ऐसा ऐसा जो आपका जो तेरा पर्सनल लाइफ रहेगा उसको तू एक्सप्लोर करना, जितना जो होता है दिन में, क्या होता है तेरे, तू दिन में क्या करता है, या फिर क्या एक्टिविटीज़ चलती है, तू किधर जाता है, क्या करता है, घूमता है ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना जो भी है, तू पहले तो एडिटिंग सीख ले, तो क्रिएट करना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, तो पहला वीडियो जुलाई 9, 2020 में, या फिर जुलाई 2021 में, याद नहीं है, मैंने देखा नहीं है कि कब मैंने वीडियो डाला, जुलाई तो कन्फर्म है 2020 में किया। ओपन तो कर लिया, मगर अभी करना क्या है ये मेरे को नहीं पता था। कोई भी ना डायरेक्ट कैमरा उठा के क्या बात करना है किसी को भी नहीं पता चलता है, क्या बात करना है मेरे को अभी भी नहीं आ रहा है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मेरे को दिन ब दिन मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ खुद को। यूट्यूब ओपन किया, तब मेरे पास था Redmi 4A था, तो उससे चालू किया मैंने, बहुत से वीडियो, ऑलमोस्ट उसमें ना 37 वीडियोस हैं, ये 38वां मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 30 वीडियोस मैंने उसमें ही रिकॉर्ड किया है, उसमें ही एडिटिंग सीखा, बहुत से जानकारी मैंने यूट्यूब से ही ले ली, क्योंकि बेस्ट टीचर ना यूट्यूब के अलावा कोई नहीं है। यूट्यूब में बहुत से बंदे बैठे हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस चीज़ पर आपको वीडियो बनाना है, सब कुछ सिखा देंगे, थैंक्स फॉर दैट गाइस। उसकी वजह से मैं यूट्यूब में आया, पहले वीडियो
आपको जैसे ही मेरा पिछले वीडियो में पता रहेगा, फिर नहीं तो फिर भी बता देता हूँ, मैं बहुत ही शाई टाइप का बंदा हूँ। मेरे को किसी से बात करना या किसी के साथ घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थैंक्स फॉर माय फैमिली आल्सो, बहुत ही सपोर्टिव है मेरे मम्मी। मैं कुछ भी करना चाहता हूँ तो बोलते हैं कि चल बेटा कर ले। ऐसा कभी भी नहीं था कि उनके मुँह से कि तू ये मत कर, इस चीज़ को मत छू, या उधर मत जा, इधर मत जा, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ना पहले था ना अभी है, भगवान तो रहते ही हैं सपोर्ट में। तो मेरे भाई ने सपोर्ट कर दिया, मेरे कज़िन ने सपोर्ट कर दिया, थैंक्स टू हर, स्पेशली थैंक्स टू हर। मेरा तो आइडिया था, मगर उसने मेरे को एक राह दिखाया कि तू ना ब्लॉगर बन सकता है, मतलब ब्लॉगिंग कर सकता है, ये तेरे को सूट हो जाएगा। इसलिए तो थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। फर्स्ट क्रेडिट गोज टू यू, बाद में मम्मी भाई सबको क्रेडिट जाता है, सबसे मेरे फैमिली को ढेर सारा प्यार। पहला स्टार्टिंग किया था उस पे आता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल 25th का हूँ, मतलब ये 31st दिसंबर 2022 में कर रहा हूँ। अप्रैल में मेरा हो जाएगा बर्थडे, आ जाएगा अप्रैल 6 को मेरा बर्थडे है, तो 26th का हो जाऊँगा। बहुत से रील्स भी किए, बहुत से टिकटॉक वीडियोस भी बनाए। हाँ, टिकटॉक वीडियो बनाता था, मगर उतना कुछ वायरल जाने वाला जैसा कोई सीन नहीं था। बनाता था बस शौक के लिए, बनाता डिलीट करता। उससे पहले लाइक में बहुत एक्टिव था, कुछ 3000 फॉलोअर्स भी थे। टाइम देना चाहता था, व्लॉग करना चाहता था, मेरे को बहुत मन था, आज भी है। जो मेरा मोटिव पहले स्टार्टिंग वीडियो में था ना, आज भी वो मोटिव आज भी है। आज भी मैं वैसा ही वीडियो बनाना चाहता हूँ, आगे इम्प्रूव करना चाहता हूँ। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के वजह से निकल जाता था, बोल जाता था, टेंशन रहता था दिमाग में एक, तो बोल जाता था। ऐसे बंदों को भी देख लिया कि मैंने एक दो वीडियोस में निकल गए, उनका 1000 सब्सक्राइबर, 2000 सब्सक्राइबर, 3000 सब्सक्राइबर, ऐसे बढ़ते गए एक दो वीडियोस में, कुछ का तो एक महीने में हो गया। तब सोचने लगा कि नेगेटिव थॉट आ गया कि नहीं हो सकता सलाम, तेरे से नहीं हो सकता। अभी चैनल तो बना लिया, मगर नाम नहीं था, तो सोचा मेरा नाम है सलाम तो उससे निकालूंगा। तो मैं और मेरे बहन मिलके नाम अच्छा खासा नाम ढूंढने लगे, क्योंकि बहुत से लोग थे कि जो ओरिजिनल नाम नहीं, उनका खुद का नाम नहीं, कुछ अलग अल्टरनेटिव नाम, अभी स्टेज नेम हो गया या फिर ऐसा नाम रहता है ना, अल्टर नाम, जिससे कि वो फेमस हो जाते हैं, वो नाम उनको पसंद जो नाम है वो नाम से रखते थे। तो मेरे को पता नहीं चल रहा था मेरा क्या रखूँ, क्या ही ये करूँ। उसके बाद द स्लम्स ब्लॉग करके आ गया, द स्लम्स वर्ल्ड करके नाम सजेस्ट किया मेरे बहन ने कि यही ठीक है, तो उसको रखा। उसके बाद लगा उसमें ही चलने दिया, अराउंड 10 से 20 वीडियोस मेरा उसी नाम से है। उसके बाद में लगा नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ऑड नाम लग रहा है, तो उसमें से मैं द निकाला, वर्ड निकाला, बीच में से लगा रहने दो, अभी क्या ही करे, अभी दूसरा नाम तो नहीं रख सकता था, तो इसलिए मैंने सोचा सलाम का ही निकाल के थोड़ा फैंसी नाम करके रख लेता हूँ। तो उसमें आया सलाम्स ब्लॉग्स, तो उसको मैंने दो, ये जो था उसको मेरे नाम से निकाल के फेंका, तो वो बन गया अभी जो नाम है मेरा यूट्यूब चैनल का, वो नाम है। मैं बिल्कुल ही जॉबलेस हो गया, मतलब ड्राइविंग का कुछ उतना बाहर लोग घूम नहीं रहे थे कोरोना के वजह से। उसके बाद मैं निकल गया 2021 में निकल गया बेंगलोर, उधर जाके कुछ नया करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। बेंगलोर गया तो उधर एजेंसी में काम किया, पर ना उधर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था, मैं जॉब तो जा रहा था 9 to 6 का जॉब था, जॉब को मैं जा रहा था, मगर मेरे को ऐसा लगता था कि मैं हर दिन ना जेल के लिए जा रहा हूँ, जेल में जा रहा हूँ, हर दिन अपने आप को, हर दिन मैं खुद को दबा रहा हूँ। मेरे को मन में इन 2 सालों में ना मेरे दिल में बस ये है कि मैं वीडियो करूँ, बहुत से वीडियोस करूँ, मगर टाइम ना मिलने की वजह से मैंने कभी वीडियोस किया ही नहीं, पर उतना ये नहीं मिला, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था पहले तो। फिर वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, मैं जितना सैलरी में मैं एक काम कर रहा था उतना सैलरी का काम नहीं था वो, क्योंकि गांव से
सिटी में जाके कमाना सिर्फ 10,000 के लिए इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि उधर का भी रेंट भरना था, रूम का रेंट भरना था, तो मेरे को ये नहीं लगा। कुछ और लिटिगेशन के वजह से, कुछ और प्रॉब्लम्स के वजह से मैंने उसका उधर का काम ही छोड़ के आ गया। आज है 31st December 2022। सोचा कि अपने बारे में बता दूं, बहुत 2 साल के बाद खुलासा किया हूं कि कहां से हूं। मैं ना कर्नाटका से बिलोंग करता हूं, कर्नाटका में एक गांव है नागौर करके, उधर से बिलोंग करता हूं जो कि कुंदापुरा है। आपको अगर आप नॉर्थ साइड से देख रहे हो तो बता दूं, जिधर कांतारा फिल्म शूट हुआ था ना, जिधर कांतारा फिल्म का होल सेट लगा था, उस गांव से 70 किलोमीटर इधर रहता हूं मैं। आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पस ये है कि पर्पस कुछ भी नहीं है, सोचा अपने बारे में बता दूं। जिस मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो मोबाइल आके रेडमी 9 प्राइम है, जो कि मेरे छोटे भाई ने मेरे को गिफ्ट किया था। हाँ, मैं कोई मोबाइल आज तक ना कोई भी चीज़ मैं अपने पैसों से नहीं लिया हूँ। हाँ, ये सच बात है, मैंने नहीं लिया है कोई भी चीज़ मैंने आज तक ना अपने पैसों से बिल्कुल भी नहीं लिया है। अरे, मैं अगर बोलना है तो मैं यही बोल सकता हूँ कि आई एम अ लूज़र, बिग बड़ा लूज़र हूँ मैं। छोटे मोबाइल से उतना क्लियरिटी नहीं आ रहा था वीडियोस, तो मेरे भाई को थोड़ा बुरा लगा, उसने पूरा अपना पूरा का पूरा सैलरी निकाल के मेरे को मोबाइल ख़रीद के दिया। अभी भाई को तो थैंक्स नहीं बोल सकता ना, घर की बात है। और उसने अपने प्यार से निकाल के दिया है, तो उसमें थैंक्स बोल के वो ज़ाया नहीं करना चाहता, पराया नहीं करना चाहता, तो बताना नहीं चाहता था हाँ मैं सिंगल ही हूँ। कोई ऐसा मत पूछना कि आपका शादी हो गया या आपकी कोई लवर है, ऐसे कोई सीन नहीं यार, हम तो अपने लाइफ को सुधारने में लगे हैं। इस सब के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिमाग में ये है ही नहीं कि शादी करना है या गर्लफ्रेंड बनाना है, घूमना है, गेड़ी मारनी है या फिर शो ऑफ करना है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। यही था मेरा लाइफ जर्नी, बहुत शॉर्टली समझाना चाहता था मगर ये बहुत लंबा हो गया वीडियो। ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह 2nd Jan और 3rd Jan में। अगर मेरा लाइफ स्टोरी अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट भी कर देना, अच्छा लगता है देखने के लिए। ना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हो, अच्छी बात है, इससे भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2-4 वीडियोस देख के बाद में कर सकते हो। और भी ज़्यादा बताने का था मगर किसी और वीडियो में फिर कभी रिक्वायरमेंट रहेगा तो बता दूंगा, आज तो मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, किसी दिन रिक्वायरमेंट रहेगा तो ऑप्शन तो है लाइव का, सवाल जवाब होते रहेंगे। फिलहाल वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपका इतना कीमती टाइम देने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।